कहते हैं ना, राजनीति में हर एक तस्वीर की एक अलग कहानी होती है। एक ऐसी ही तस्वीर आज निकलकर सामने आई, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी, पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट साथ में दिखाई दिए। वैसे तो ये पहले कई बार मिल चुके हैं, लेकिन इस बार इनका मिलना राजनीतिक पारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। खबरें हैं कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होकर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि विनेश फोगाट को कांग्रेस की तरफ से 3 सीटें और बजरंग पुनिया को 2 सीटें ऑफर की गई हैं। आइए इस वीडियो में पहलवानों और कांग्रेस के बीच में क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विनेश फोगाट से। तो जैसा हमने आपको बताया कि विनेश फोगाट को 3 सीटों का ऑफर है। पहली सीट आती है चरखी दादरी की और दूसरी सीट है बाडड़ा की और तीसरी सीट आती है जुलाना की। अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो चरखी दादरी उनका गांव है और जहां से उनकी बहन, जो चचेरी बहन है बबीता फोगाट, वहां से चुनाव लड़ती आई हैं। वैसे तो बबीता फोगाट पिछले बार जब चुनाव लड़ी थी तो 3रे नंबर पर रही थी और वहां से सोमवीर जीते थे। आज के समय की अगर बात की जाए तो सोमवीर कांग्रेस में है और बबीता फोगाट आपके बीजेपी में है। अगर विनेश फोगाट वहां से चुनाव लड़ती हैं तो दो बहनों की सीधी सीधी टक्कर हो जाएगी, लेकिन इस सीट से लड़ना थोड़ा नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि सोमवीर अभी कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस चाहती है कि एक सीटिंग विधायक को ही वहां से चुनाव लड़ाया जाए, जिस वजह से चरखी दादरी से विनेश फोगाट की संभावना बेहद कम लग रही है, लेकिन विनेश फोगाट यहाँ से भी चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर हम अगली 2 सीटों की बात करें तो वो है बाडड़ा की और जुलाना की। जुलाना सीट की बात की जाए तो जुलाना उनका ससुराल है जहाँ से उनके पति आते हैं और वहाँ से भी वह चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे अगर स्ट्रॉन्ग रूमर्स की बात की जाए तो बाडड़ा और जुलाना से आपके विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं अगर बजरंग पुनिया की तरफ बढ़ें तो बजरंग पुनिया को कांग्रेस की तरफ से 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। वो सीटें हैं आपके बहादुरगढ़ और भिवानी की सीट। लेकिन बजरंग पुनिया के बारे में बात करें तो बजरंग पुनिया 2 सीटों से लड़ना चाहते थे। पहली सीट थी आपके सोनीपत की और दूसरी सीट थी बादली की, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर उनको चुनाव लड़ाने से मना कर दिया है। कांग्रेस ने बादली सीट को लेकर कुलदीप वत्स, जो पिछली बार सीटिंग विधायक थे, उनकी सीट फिक्स कर दी है। वहां पर ब्राह्मण वोटर ज्यादा हैं और कांग्रेस उनका सीट काटकर ब्राह्मणों से कभी भी पंगा मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए कांग्रेस बादली सीट से कुलदीप वत्स को ही लड़ाना चाहती है, इसलिए उन्होंने सीट वहां पर उनकी फिक्स कर दी है। वहीं अगर सोनीपत सीट की तरफ बढ़े तो सोनीपत में भी कुछ ऐसा ही किस्सा है। वहां पर आपके कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार, जो इस टाइम जेल में तो हैं, लेकिन वहां पे उनके बहू या बेटे को चुनाव कांग्रेस लड़ाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं दिखाना चाहती कि बुरे समय में वो अपने नेताओं के साथ नहीं खड़ी है। इसलिए सोनीपत और आपके बादली विधानसभा सीट से बजरंग पुनिया को टिकट देने से कांग्रेस ने मना कर दिया है। उनके पास 2 ऑफर हैं, पहला है बहादुरगढ़ और दूसरा है भिवानी। और वीडियो के अंत में हम आपको बता दें, इन्हीं किसी 2 विधानसभा सीटों में से किसी एक का नाम फाइनल होने वाला है। ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा, लेकिन आपको इनकी राजनीतिक नई पारी की शुरुआत के लिए क्या है कहना, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो साइड में लगा है उसको दबा लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।